झज्जर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के सहयोग में गांव झाड़ली के एनटीपीसी पावर प्लांट का प्रबंधन में आ गया है। प्रबंधन की तरफ से जिला पुलिस को 20 बाइक सीएसआर फंड के तहत उपलब्ध कराई गई हैं। कंपनी के सीएसआर फंड से जिला पुलिस को मिली 20 बाइकों को जिला पुलिस कप्तान राजेश दुग्गल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कंपनी प्रबंधन का आभार जताया। ये हमारे एपीसीएल प्लान जो झाड़ली है उनके उन्होंने सीएसआर फंड में हमें पुलिस के पेट्रोलिंग पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए और हमें 20 मोटरसाइकिल हमें प्रोवाइड किए हैं, जो जिससे हमें अपने पेट्रोलिंग जो सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट में सिटी में बांधवगढ़ में और हमारे सिटी झज्जर में उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बड़े अच्छी इन्होंने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल हमें ये दिया है और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और समय समय पे ये हमें कोविड में भी बहुत कुछ इन्होंने हमें प्रोवाइड किया था, सैनिटाइजर है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं और पीछे गाड़ी भी इन्होंने हमें दी थी, तो इनके लिए हम आभारी हैं कि ये पुलिस की एक समस्या को समझते हैं जो हमें एक मूलभूत आवश्यकता होती है हमारे वाहन की। फरीदाबाद के गांव बुआपुर के रहने वाली सौम्या आनंद ने यूपीएससी एग्जाम में 492वां रैंक हासिल कर अपने गांव के साथ साथ पूरे जिले का नाम देश में रोशन किया। वहीं सौम्या के निवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। काफी खुशी हो रही है, एक तो काफी रिलैक्सिंग और रिलीव फील हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि सब लोग के चेहरे पे भी खुशी है और इस खुशी का कारण मैं हूँ, तो इसको देख के काफी ज्यादा प्रसन्न हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, किस तरीके की आप पढ़ाई करते थे, किस घर से किसका ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलता था इस पढ़ाई में? पढ़ाई का मेरा बेसिकली ये होता था कि डेली शेड्यूल होता था कि आज का क्या टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करना होता था और वीकली अगर मेरा कुछ टारगेट रह जाता था तो मैं संडे को उसको कवर अप कर लेती, संडे यूजली फ्री रहता था। फरीदाबाद में डिपो मालिक अपनी मनमानी के कारण लोगों को पर्याप्त मात्रा में ना तो राशन दे रहे हैं और सरकार द्वारा निर्धारित राशन भी आम लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। इस मामले की शिकायत जब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के बड़े अधिकारी तक पहुंची, तो उन्होंने न सिर्फ बल्लभगढ़ बल्कि फरीदाबाद के डिपो चलाने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की चोरी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी लाभार्थियों को और आम जनता को ये सूचनाएं भिजवाते हैं, चाहे तो अखबारों के थ्रू, आप जैसे बंधुओं के थ्रू और हम अपने डीपीआरओ के थ्रू ये भिजवाते रहें, उनमें अवेयरनेस पैदा करते रहें कि आप अपना राशन जब भी ले रहे हैं तो आप अपना थंब लगा रहे हैं तो पूरी क्वांटिटी और रेट वो चेक करके लें। यदि कोई आपको रिसीट नहीं दे रहा है, पेपर रोल नहीं दे रहा है तो आप मत लें, पूरा नहीं दे रहा है तो अपने हक के लिए आप वहाँ पर कहें, और ये तो जागरूकता उन्हें भी लानी होगी और हम जितनी कोशिश कर सकते हैं वो इतनी कोशिश हर डिपो पर आप लोगों के माध्यम से करते रहें। इंद्री में बीडीपीओ कार्यालय परिसर में ग्रामीण चौकीदार सभा की एक बैठक इकाई प्रधान जनरल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में ग्रामीण चौकीदारों ने मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी कर मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग उठाई। क्षेत्र के ग्रामीण चौकीदारों ने बार बार रखी जा रही मांगों को पूरा न करने पर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। यार जी अपने उसके लिए पूछा जी, हमारी तनखा 7000 रुपए जी, हमारी गुजारा नहीं होता जी इसमें, और 24000 रुपए तनखा की जाए जी, इसके बारे में रहे जी हम कोरोना में 2 साल है जी, हम ड्यूटी दे रहे दिन रात की, कोई सरपंच भेजता वो भेजता जी भाई वो करना, कोई पुलिस आ गया जी भाई किसका कोरोना हो उसके घर जाना जी, तुम्हारे कोई समाधान नहीं, हम लंबे टाइम से अपनी तनख्वाह के बारे में हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा जी। जी साहब जी गए, एमएलए साहब के पास गए जी, एमडीसी साहब के पास भी गए, करनाल भी हमारी मीटिंग हुई जी, मतलब हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही जी, ना तो हमारी पीएफ के बारे में हो रही जी। अनिल भी जब भी गए थे 18 तारीख ना, उन तो चलो टाइम मांग रहेगा। यमुनानगर की जेल में एक बाइक चोर आरोपी की मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल गांव जमालपुर गांव के रहने वाले महावीर को 9 सितंबर को जिला जेल में लाया गया था। कल शाम को परिजनों को सूचना मिली कि महावीर की मौत हो गई है, उसका शव पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया है। नौकरी के नया सेंटर जेल में चाहिए जी, तो कोई मुलाकात नहीं हुई हमारी, तो कोई बीमार नहीं था, कोई स्मार नहीं था जी। अब क्या बताया आपके पास? तो इन्होंने मेरे पास 5:30 बजे फ़ोन करा जी, तो मैं लक्का सिंह खेड़ी था जी, तो मैं वहीं से बस मत वापस आया जी, तो राय का पुलिस थाने से पूछा, मैं जिक्र करके बात आया जी,
न्यू पावर तो पूरा होएगा जी। कहाँ माँ जी चलो मुलाकात तो कराए दो, मलाए तो दो, न्यू पावर तो ताला लाइ दिया कहा जी मन पुलिस वाला ने बिया बात कही।